आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि उसे इस चीज़ की परवाह न होगी वो हलाल कमा रहा है या हराम, उसे सिर्फ गर्ज होगा। तो मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुबहान ताला के हाँ सिर्फ वही माल कबूल होता है, चाहे वो सदक़े की सूरत में हो, चाहे वो खैरात की सूरत में हो, जो शरई यूज़र से पाक हो, जो नीयत से साफ हो, जिससे किसी का दिल ना दुखाया गया हो, जिस माल से किसी का हक ना मिटाया गया हो, अल्लाह सुबहान ताला के हुजूर वही माल कबूल और मकबूल होता है। अल्लाह सुबहान ताला ने हुक्म दिया अपने नबियों को, अपने रसूलों को, पाक खाओ, अल्लाह ने तुम्हें पाक रिस्क दिया। और जो अल्लाह ने हुक्म अपने रसूलों को दिया, अपने नबियों को दिया, वही हुक्म अल्लाह सुबहान ताला ने उनकी उम्मतों को भी दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बताई एक ऐसे शख्स की कि जो परगंदा हाल, बहुत गंदे लिबास में, मिट्टी से अटा हुआ, और वो कहता है मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, तो अल्लाह सुबहान ताला भला ऐसे शख्स की क्यों कर सुने और किस लिए सुने जिसका लिबास हराम, जिसका देखना हराम, जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका ओढ़ना हराम, जिसका बिछोना हराम। बताने का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कि हराम खाने वाले की, हराम देखने वाले की, हराम ओढ़ने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, और इन दोनों के दरमियान जो चीज़ आती है वो है मुश्तबा चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जिन पर डाउट हो, डाउटफुल चीज़ें कि ये आया हलाल हैं या हराम है। जिसने अपने आप को इन चीज़ों से भी बचा लिया तो उसने अपनी इज्जत को महफूज कर लिया, उसने अपने दीन को महफूज कर लिया, उसने अपने। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चरवाहे की, शेपर्ड की, बकरियां चराने वाले की एक ममनुआ जगह होती है, और इसी तरीके से अल्लाह सुबहान ताला की भी एक ममनुआ यानी हराम जगह है। और याद रखो वो हराम जगह जिससे तुमने इज्तनाब किया, उस जगह से तुम बच गए तो अल्लाह सुबहान ताला ने तुम्हारे ईमान को मुकम्मल कर लिया। वो हराम जगह, हराम और मुश्तबा डाउटफुल चीज़ों से दूर रहना, हराम देखने से अपने आप को बचाना, हराम सुनने से अपने आप को बचाना, हराम ओढ़ने से अपने आप को बचाना, ऐसे लोगों की दुआएं कबूल कभी भी नहीं होती जो हराम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज के बाद अफजल तरीन फ़र्ज ये है कि तुम हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। हलाल रोज़ी खाना कमाना सबसे खूबसूरत तरीन अमल है। हज़रत उमर इबन ख़त्ताब ने एक मरतबा दूध पिया तो उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, उन्होंने दूध वाले मिल्क मैन से पूछा, गवाले से पूछा कि तुम ये दूध कहाँ से लाए। उसने बताया कि मैं फलां फलां जगह से गुज़र रहा था पानी पीने के लिए, तो कुछ लोग अपनी बकरियां चरा रहे थे, ज़कात के ज़ुमरे में, सदक़ात के ज़ुमरे में वो दूध भी बांट बांट के पिला रहे थे, तो मैं वहीं से दूध लेके आया और मैंने वहीं दूध आपको पिला दिया। तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने, उमर इब्ने ख़त्ताब ने अपने हलक के अंदर उंगली डाल डाल के अपने आप को वॉमिट करा दी और कहा कि इस माल पर मेरा हक नहीं। आप इमेजिन करें कि इसका कितना बड़ा गुनाह है, जो हमारे खुलफाए राशिदीन ने भी इस अमल को अपनाया, इस नेकी पर अमल पैरा हुए तो अपने आप। हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी ने 10 दिरहम का कुर्ता भी अगर पहना है और उसमें से एक भी दिरहम हराम की कमाई का है, तो जब तक उसने वो कुर्ता पहना है उसके ना कोई नेक अमाल कबूल होंगे, ना उसकी कोई इबादत कबूल होगी, ना उसकी कोई दुआ कबूल होगी, जब तक कि वो हराम कमाई से शामिल कपड़े को अपने तन से उतार नहीं लेता। और फरमाया अपनी दोनों उंगलियां कानों में डाल के कि अल्लाह मतलब मुझे तबाह बर्बाद कर दे, बहरा कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये बात मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो खुदारा आज मार्कअप के नाम पे, आज रिबा के नाम पे,
आज किसी की भलाई के नाम पे हराम खाना हम आम समझते हैं, जबकि हराम हराम है, हर सूरत हराम है। अपने आप को बचाएं, खुदारा अपने बच्चों को, अपने अमाल को, अपने लिए सदका जारी।